दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछते रहते हैं कि मैं अपने वीडियो को कैसे शूट करता हूं माइक कौन सा यूज करता हूं क्योंकि माइक कोई भी दिखाई नहीं देता है इवन मैं लेंस कौन सा यूज करता हूं कौन से लाइट का सेटअप है मेरे पास ये पीछे की तरफ जो ग्रीन स्क्रीन आप चल देख रहे हैं ये लोग कहते हैं कि आप क्रोमा काटते हो सर ये वाला बैकग्राउंड कहां से डाउनलोड किया है तो आज सारी चीजें क्लियर करने वाला हो और ये जो वीडियो है ना एक्चुअल में मैं इस वाले कैमरे से शूट करने वाला हूं क्योंकि ये जो कैमरा है ये मेरा व्लॉगिंग का कैमरा है और ये वीडियो भी व्लॉग की तरह बनने वाली है तो मैं पूरा आपको बिहाइंड द सीन दिखाऊंगा कि मैं कैसे अपनी वीडियो को शूट करता हूं इसके अलावा जो भी प्रोडक्ट मैं यूज करता हूं उनके लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर किसी को परचेस करने होंगे तो कर सकते हैं तो चलिए भाई वीडियो को अभी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि बहुत अलग होने वाली है वीडियो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ योगी योगेंद्र आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी नो ड्रामा नो क्लिक बैट ओनली लीटर तो दोस्तों यहाँ पर मेरा ट्राई पर देखिए कैमरा लगा हुआ है और ये जो कैमरा है ये है कैनन टू हंड्रेड डी मार्क टू अब यहाँ पे जो स्पेशलिटी है वो मैं आपको दिखाता हूँ वो है इस लेंस के अंदर जो आप लेंस यहाँ पे आप देख रहे हैं ना ये जो लेंस है ये लेंस मैं थोड़ा सा इस पर लाइट डालता हूँ और आपको दिखा देता हूँ ये जो लेंस है ये है सिगमा का एटीन थर्टी फाइव वन पॉइंट एट अपर्चर का है लेंस जो है एक आर्ट लेंस है और मैं आपको बता दूँ कि ये जो कैमरा है आप देख सकते हैं कैनन टू है और कैमरा ये करीब मैंने साठ हज़ार का परचेज किया था और लेंस जो है ना वो सेवेंटी थाउजेंड का है तो लेंस कैमरे से भी महंगा है तो आपको मैं थोड़ा सा पीछे से दिखाता हूँ आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ ट्राई पोर्ट पर यहाँ पर जो है कैमरा लगा हुआ है ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं साउंड प्रूफिंग यहाँ पर लगा रखी है मैंने ये जो पैनल है ये लगा रखे हैं जिनको हम एकोस्टिक्स पैनल बोलते हैं साउंड प्रूफिंग के काम भी करते हैं ये और इसके अलावा एको प्रूफिंग करते हैं यानी इको जो है ना वो ख़त्म कर देते हैं वीडियो में आप देखिए कुछ इस तरह से मैंने सब जगह लगा रखे हैं ठीक है और ये सामने की दीवार पे है क्योंकि मैं कैमरे के सामने बैठता हूँ और यहाँ पे ऊपर मेरा एसी लगा हुआ है क्योंकि एसी बहुत जरूरी है क्योंकि जब कैमरा आप यूज़ करते हो ना तो बहुत ज़्यादा लाइट भी यूज़ करते हो तो लाइट से गर्मी जो है हीट हो जाती है तो आपको ए की भी रिक्वायरमेंट रहती है ठीक है ना तो यहाँ मैंने आई का ए लगा रखा है क्योंकि ये साइलेंट रहता है अब यहाँ पे और देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एक मेज हमेशा रहती है और इस मेज पर मोबाइल पड़े होते हैं मोबाइल क्यों पड़े होते हैं कभी मान लो कोई स्क्रिप्ट वगैरह मेरे को लिखनी होती है या कोई पॉइंटर्स लिखने होते हैं स्क्रिप्ट तो मैं नहीं लिखता पॉइंटर्स लिखता हूँ तो मैं वो मोबाइल में पॉइंटर्स लिख के यहीं पर देखिए यहीं पर मेज पर रख देता हूँ कभी रिक्वायरमेंट पड़ती है तो यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर जो माइक लगा हुआ है ना ये है ब्लू ये का माइक और इसी को मैं यूज करता हूं अब यहां पे आप देख सकते हैं इस वाले एंगल से मैं आपको दिखाता हूं कैमरा यहां पर है माइक नीचे मेज पर रखा है इसलिए आपको माइक बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता माइक में मेरी वॉइस रिकॉर्ड होती है कैमरा में भी होती है बाद में मैं अडो प्रीमियर प्रो में जाके सिंक करता हूँ ठीक है यहाँ पे सामने एक लाइट आप देख सकते हैं ये है मेरी बहुत प्यारी सी लाइट गोडॉक्स की लाइट है और ये है एस एल सिक्सटी हाँ एस एल सिक्सटी है बहुत ही गजब की लाइट है ये मेरी मेन लाइट है इसके अलावा दूसरी लाइट की बात करें तो यहाँ पे देखिए दूसरी साइड में आ जाता हूँ और यहाँ पे देखिए ये है हमारा सिम्पेक्स का एक सॉफ्ट बॉक्स ठीक है और यहाँ पे दिखा देता हूं ये मेरे छोटे भाई हैं आप देख सकते हैं ये हमारे जो है कैमरा को संभालते हैं अभी ठीक है ना कैमरा वगैरह को संभालते हैं और एडिटिंग में भी काफी मास्टर है और एडिटिंग भी ये है करते हैं अब आप सामने की तरफ वहां देखिए वहां पर वहां पर जो ग्रीन आपको जो मैट्रिक्स चलते हुए दिखाई दे रहे हैं वो एक्चुअल मेरा ट्रिपल मोनिटर सेटअप है लोग कहते हैं कि भाई ये आप मैं क्रोमा काटता हूं मैं क्रोमा नहीं काटता भाई ये मेरा रियल बैकग्राउंड है यहाँ पे देखिए तीनों कंप्यूटर के अंदर क्या चल रहा है ग्रीन मैट्रिक्स का स्क्रीन सेवर चल रहा है और ऊपर हमारे जो टीम के प्ले बटन

ठीक है इसके अलावा इसकी क्या खासियत है ये हिलती नहीं है ना ये घूमती है तो बैठने पर एकदम एक्टिव फील आता है लोगों को मतलब जो भी इस पे बैठता है, शूट करता तो उसको एक्टिव नजर आता है लगता है है वो एक्टिव है. और आप आप देखिए यही पे मेरी स्टूल लगे यहीं पे मैं बैठा होता हूं सामने एक टेबल है जिस पर मोबाइल और ब्लूवेथी माइक रखा हुआ है और सामने देखिए कैमरा रखा हुआ है ये मेन लाइट यहां पर और यहां पर आप देख सकते हैं सिम्पेक्स की जो है सॉफ्ट बॉक्स ठीक है तो ये लेफ्ट राइट वाली लाइट हो गई दोनों इसके अलावा मैं दिखाता हूँ यहाँ पे देखे ये जो चेयर सामने आप देख रहे हैं बोस्ट चेयर इस पर मैं बैठ के एडिटिंग वगैरह करता हूँ ग्रीन स्क्रीन भी यहां पे कभी मैं अगर रिक्वायरमेंट होती है तो यूज कर लेता हूँ इसके अलावा यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी मैंने पैनल लगा रखा है एको प्रूफ के यहाँ पे मैं स्लाइडर वगैरह रखे हुए हैं मेरे और ऊपर एक है ना मच्छर वगैरह जो मॉस्किटो होते हैं ना उनको मारने का एक रैकेट रखा हुआ है कई बार क्या होता है मॉस्किटो वगैरह कुछ भी आ जाए मच्छर वगैरह तो शूटिंग में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो ये उसके काम आता है ठीक है कभी कभी यूज होता है इसका और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लाइडर रखा हुआ है अब इस वाले एरिया पे आ जाते हैं पहले ये सारे के सारे मेरे पास रखे हुए हैं भाई साहब जो भी रिव्यू यूनिट्स होती है ना वो सब रखी हुई है तो अभी तो कोई गिवे वगैरह आ नहीं रहा है क्योंकि यार क्या हो रहा है कि कोई भी रिव्यू यूनिट्स वगैरह अब आ नहीं रही है क्योंकि डिलीवरी नहीं हो पा रही है लॉकडाउन की वजह से ठीक है यहाँ पे अब बैकग्राउंड में आ जाते हैं ये जो येलो लाइट आप देख रहे हैं ना ये डेकोरेशन लाइट है इसके बल्ब मैंने अलग से अमेजन से परचेज किए थे और ये लाइट के जो हैंगिंग मैंने कर रखा है ना ये सिस्टम ये मैंने अलग से परचेज किया था टोटल शायद अठारह सौ रुपए के आसपास मुझे कंप्लीट पड़ गया था कुछ बल्ब मैंने एक्स्ट्रा भी मंगा के रखे हुए हैं मान लो कोई बल्ब अचानक खराब हो जाए तो मैं चेंज कर सकूं और इस बल्ब की जो ब्राइटनेस है ना येलो कलर की उसको मैं लेवल को कम ज्यादा भी कर सकता हूं क्योंकि मैंने रेगुलेटर भी लगाया हुआ है ओके जब मैं शूट करता हूं तो ऊपर क्या है एक ट्यूबलाइट लगी हुई है आप देखिए इस ट्यूबलाइट को मैं ऑफ कर देता हूं ताकि पीछे थोड़ा अंधेरा हो जाए थोड़ा डार्क बैकग्राउंड हो और सामने से मेरे फेस पे पूरा ग्लो आ जाए थोड़ी लाइट आए समझ गए और बैकग्राउंड में ये जो लाइट है ना ये धीमी धीमी ऑन रहती है इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चारों तरफ आप देखिए मैंने इको प्रूफिंग कर रखी है ताकि मेरी वीडियो की जो ऑडियो है उसमें आपको इको बिल्कुल भी ना नजर आए यहाँ अभी आप सामने देखेंगे तो इको प्रूफिंग मैंने कर रखी है यहाँ पे देखिए बटन रखे हुए हैं सिल्वर प्ले बटन और ये देखिए कंप्यूटर पे जो है मेरा जो मैट्रिक्स है वो चल रहा है स्क्रीन सेवर ठीक है यहाँ पे कुछ लैपटॉप्स वगैरह रखे हुए हैं ये पूरा मेरा टेबल है मैं आपको दिखाता हूँ एडिटिंग टेबल यहाँ पे मैं एडिटिंग वगैरह करता हूँ सारा हालांकि बाहर भी एक मेरा एडिटिंग टेबल है उसको भी मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ लेकिन मेरे स्टूडियो में यही होता है ठीक है नीचे यहाँ पे स्पीकर वगैरह रखे हुए हैं पानी की बोतल वगैरह मैं यहीं पर रखता हूँ क्योंकि मैं यूज़ करता ही रहता हूँ तो ये कुछ मेरा सेटअप है यहाँ पे बहुत सिंपल सा सेटअप है ये देखिए आप और यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये सेटअप हो जाता है तो दोस्तों अब आपको आइडिया लग गया होगा कि यार मेरे जो पीछे का बैकग्राउंड है वो रियल बैकग्राउंड है मैं कोई क्रोमा वगैरह नहीं यूज करता हूँ इसके अलावा माइक की जहां तक बात है तो अभी ये माइक दिख रहा है ना क्योंकि मैं फिलहाल डीजीआई के ब्लॉगिंग कैमरे से शूट कर रहा हूं तो मैंने ये माइक लगाया हुआ है वैसे वीडियोस में कोई माइक नहीं दिखता है क्योंकि मैं ब्लूएती माइक यूज करता हूं और उसके बाद उसकी वॉइस को सिंक करता हूं मैंने सारी चीजें आपको दिखा दी है मैं किस तरह से शूट करता हूं हालांकि मेरे पास बहुत सारे कैमरा वगैरह हैं बहुत सारे तरह तरह के कैमरा हैं अगर आप बहुत ज्यादा कमेंट करोगे तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा प्रॉपर कि मेरे पास कौन कौन से यूट्यूब के गियर है कौन कौन से कैमरा है मेरे पास अलग अलग तरह की वीडियो शूट करने के लिए यह वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक करें इसी तरह के वीडियोज में आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं मैं मिलता हूं आपसे फिर किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद